हेलो एवरीवन, रैशनल नंबर कर रहे हैं हम लोग क्लास 8 का आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का हाफ पार्ट हमने कर लिया था। बाकी बचे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आज हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करना है आपको, यानी कि एडिशन करना है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं और एक निगेटिव भी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव बना लेंगे। तो 11 अपॉन माइनस 39 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 11 अपॉन माइनस 39 इंटू माइनस 1 अपॉन में माइनस 1। तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का 11 अपॉन में प्लस हो जाएगा 39, यानी पॉजिटिव डिनोमिनेटर मिल गया। अब क्या करेंगे, 39 और 26 दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 39 एंड 26, ये दोनों ही नंबर 13 के टेबल में आते हैं। 13 3 जा 39 एंड 13 2 जा 26। अब आपका हो जाएगा ये 3 2 जा 6 इंटू 13, 13 इंटू 3 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 78। ठीक है, एलसीएम हमारा हो गया 78। तो अब हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 26 इक्वल टू 5 अपॉन 26 इंटू क्या कर देंगे, ये आपका 3 टाइम्स में हो जाएगा। यहाँ देखिए 13 2 जा 26 हमारे पास है, यानी 3 रह गया, तो 3 अपॉन 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15 अपॉन में 78। क्लियर है। दूसरा नंबर है ये वाला, हमने इसको पॉजिटिव बना लिया है डिनोमिनेटर को, तो ये माइनस 11 अपॉन में 39 और इक्वल टू लिखेंगे माइनस 11 अपॉन 39 इंटू 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये 11 2 जा माइनस 22, यहाँ देख लीजिए 39, यानी कि 13 इंटू 3 हमारे पास है, 13 3 जा 39, 2 रह गया, तो 2 से हमने कर लिया, यहाँ नीचे हो जाएगा 78। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो 15 अपॉन में 78 प्लस माइनस 22 अपॉन 78, क्या हो गया ये 15 माइनस 22 अपॉन में 78, यानी कि आंसर हो गया हमारा माइनस का 7 अपॉन में 78। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ये 16 माइनस 16 अपॉन 9। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, सबसे पहले किसका निकालेंगे, 9 एंड 12 का, 3 से कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस 16 अपॉन में 9 इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 16 अपॉन 9 इंटू 4 अपॉन 4, तो ये हो गया आपका माइनस 64 और अपॉन में 36। फिर यहाँ माइनस 5 अपॉन 12 ले लेते हैं, दूसरा रैशनल नंबर है, माइनस 5 अपॉन 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 अपॉन 3 से, तो ये हो गया आपका 5 3 जा 15 और यहाँ हो जाएगा 36। डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं आराम से, यहीं कर लेते हैं, माइनस 64 अपॉन में 36 और प्लस माइनस 15 अपॉन में 36, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 64 प्लस माइनस माइनस 15 और अपॉन में 36, तो ये आंसर हो गया आपका, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस, तो 60 प्लस 10 हो गया 70 और ये 4 एंड 5 9 हो गया, 79 अपॉन में 36 और इसका साइन हो जाएगा माइनस। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले 8 एंड 36 का, 4 से करते हैं, 4 2 जा एंड 4 9 जा, तो ये हो गया 4 2 जा 8 इंटू 9, 4 इंटू 2 इंटू 9 इक्वल टू हो गया 72, 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72। चलिए अब पहला रैशनल नंबर है हमारा माइनस 13 अपॉन में 8 इंटू कर देंगे हम, 8 है हमारे पास, 4 इंटू 2 है हमारे पास 8, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 117, इसको चेक कर लीजिए आप, 13 9 जा 117 ही होता है,
और नीचे हमारा हो जाएगा 72। दूसरा नंबर है हमारे पास 5/36, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से 2/2 से, तो ये हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 72। चलिए ऐड कर लें इसको, माइनस का 117/72 और प्लस 10/72, ये आपका हो जाएगा -117 + 10/72, यानी कि आंसर हो गया हमारा -107/72। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ तो जीरो है और जीरो में ऐड करना है ये, तो ये तो बहुत सिंपल है, आंसर इसका -3/5 ही हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे वन आपका इंटीजर के फॉर्म में है, तो इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, 1 = 1/1। अभी इस 1 और इस 5 का एलसीएम भी क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 ही हो जाएगा, LCM = 5। तो 1/1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/5 से, बन गया आपका क्या, 5/5। दूसरा नंबर ऑलरेडी हमारे पास 5 है ही डिनोमिनेटर, तो चलिए ऐड कर लेते हैं 5/5 और प्लस -4/5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 - 4/5, यानी कि 1/5, ये आपका आंसर हो गया। तो हमने 10th क्वेश्चन कर लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 10 सम्स थे, 10 क्वेश्चंस थे टोटल, हमने सारे कर लिए, हाफ पार्ट अभी किया और हाफ पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में आप दूसरा वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देख सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन रह गया है, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे वो भी। तब तक के लिए बाय बाय।